अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो उन तमाम GS150 खरीदने वालों के लिए जो ब्रांड न्यू GS150 खरीदते हैं और ये वाली गलती करते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये कहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप फ्यूचर में भी देख सकें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलें जी, एक साइड की हम लेमिनेशन उतारते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर नमी है कि नहीं। नमी क्या, इसके अंदर तो पूरा पानी है। ये देखें आप, ये जो लेमिनेशन उतारी है, ये देखें अंदर पानी रुका हुआ है। ये देखें, सुजुकी GS150 के जो इंडिकेटर्स होते हैं, जब आप ब्रांड न्यू बाइक लेते हैं तो अब इनके ऊपर लेमिनेशन होके आती है। तकरीबन 2021 से पहले की जो बाइक थी उनको बहुत कम ये आते थे, पहले बाइक्स को नहीं आते थे ये इंडिकेटर्स के ऊपर लेमिनेशन, अब आती है। तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि ये लेमिनेशन उतारते ही नहीं हैं। जब आप लेमिनेशन नहीं उतारते हो तो फिर उसका एक साइड इफ़ेक्ट है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, इस साइड पर फ्रंट वाला इंडिकेटर ऑन है, ठीक है, राइट साइड के इंडिकेटर्स ऑन किए हुए हैं, जबकि ये रेयर पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये बंद है। और बाइक कितना चली है, 450 किलोमीटर लगभग। तो जब आप लेमिनेशन नहीं उतारते हैं, आप बाइक सर्विस करते हैं, तो सर्विस करने के साथ जो पानी होता है वो इस लेमिनेशन के अंदर चला जाता है, जो लेमिनेशन के अंदर पानी चला जाता है वो फिर इसी के अंदर रहता है, नमी पैदा हो जाती है इसके अंदर इंडिकेटर के अंदर, उससे फिर ये इसका जो इंडिकेटर का मिरर है ना, इंडिकेटर का ये जो ग्लास है इसके ऊपर ब्लैक ब्लैक डॉट बन जाते हैं, जैसा कि अभी ये लेमिनेशन काट के मैं आपको दिखाता हूँ। चलें जी, एक साइड की हम लेमिनेशन उतारते हैं और चेक करते हैं कि इसके अंदर नमी है कि नहीं। नमी क्या, इसके अंदर तो पूरा पानी है। ये देखें आप, ये जो लेमिनेशन उतारी है, ये देखें अंदर पानी रुका हुआ है। ये देखें इसका, अब इंडिकेटर के अंदर आप देखें नमी आ गई हुई है, इसके शीशे के अंदर वाली साइड पे सारी नमी है। तो ये नमी अब ड्राई होने में कुछ टाइम लेगी। और इस साइड वाला जो है, इस साइड वाला इंडिकेटर ऑन करें, इस साइड का ये तो ऑन है, लेकिन इसके अंदर नमी ज़रूर होगी क्योंकि लेमिनेशन ऊपर चढ़ी हुई है, बाइक सर्विस भी हुई है। तो चले हम इसको भी चेक करते हैं। ये देखें, इसके अंदर भी नमी है, इसके अंदर भी अच्छी खासी नमी है। फ्रंट पे आते हैं, ये देखें इसके अंदर भी नमी है, पानी है बकायदा। इस साइड वाले को चेक करते हैं, ये देखें इसके अंदर भी नमी है। तो चलिए हम अब इस बाइक के ओनर से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या बाइक को सर्विस कराया जो इसके अंदर नमी आ गई है, या ये बारिश में चलने की वजह से आई है, और इन्होंने ये लेमिनेशन अब तक क्यों नहीं उतारी थी, ये ज़रा बाइक के ओनर से पूछते हैं। ये हैं जी हमारे अबरार भाई, इनकी ये बाइक है। अस्सलाम वालेकुम अबरार भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है। तो अबरार भाई, आपने ये GS150 जो लिया, तो सबसे पहले तो मुझे बताएं ये बाइक चूज़ करने की वजह क्या थी? बस इसकी इंजन पावर, कुछ इसका क्रेज था, कुछ फ्रेंड्स ने ली हुई थी, तो बस दिल किया, देखा पसंद आ गई तो ले ली। तो क्या 125 70 चलाते रहे, तो इसको जब चलाया तो वो सारी भूल गई। सही है। इसका ये जो इंडिकेटर्स के अंदर इतना ज़्यादा नमी है, शीशों के अंदर इंडिकेटर्स के अंदर पानी गया हुआ है, ये क्या बाइक सर्विस कराई है या क्या किया, या ऑल टाइम बारिश में चलाते रहे हैं? नहीं, ये बारिश में चलाई थी, उसके बाद बड़ी ये गंदी हो गई थी, फिर सर्विस करवाई है। ठीक है। तो फिर आपके पास ले आया हूँ, तो मैंने इसका जहन में रखा के पता चला चलो सेफ साइड रहेगी, तो मैंने उतारा नहीं, तो वहाँ पता लगा कि उसका नुकसान हुआ है, नमी आ गई है इसके अंदर। तो ये अभी आपने खुद ही इसको सारा उतारा है, तो ये पहले ही उतार देने चाहिए मेरे ख्याल में। सही बात है। तो अबरार भाई की बाइक का काम क्या हुआ है? विंडशील्ड लगी है, हेडलाइट जो है उसके अंदर एलईडी लाइट्स लगी है, हाई लो
ये चेक करें वाइट एंड येलो, और ये बहुत अच्छी थ्रो वाली लाइट है। सामने मैं आपको चेक कराता हूँ, ये देखें, ये सामने भाई, सामने वाले भाई की आंखों में पड़ रही है। और इसकी बेसिक वायरिंग हुई है, ब्रेक लाइट की रिले लगी है, कॉइल को सोल्डिंग हुआ है, हॉर्न की रिले हमने अभी से लगा दी है। फ्यूचर में अगर आप हॉर्न चेंज करें तो आप दोबारा से रिले लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फुटरेस्ट इसको लगाएं, ये अंदर वाली साइड पे जहाँ से कीचड़ जाता है, मट जाता है, वहाँ पे हम लगाने वाले हैं एक अच्छी सी चीज़। और यहाँ पे YBR वाली हम दुमची लगाने वाले हैं। क्रैश गार्ड भी इस बाइक को लगा दिया है। तो ये बेसिक काम इस बाइक के हुए हैं।